गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12 बेटा, हमने डीएनए का द्विगुणन समझाया था। डीएनए द्विगुणन की क्रिया विधि समझा रहे थे ना। कुछ प्रॉब्लम हो गई, टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण जो वीडियो है सही से बन नहीं पाया था। हमारे इसको रिमाइंड कर दे रहे, दोबारा से रिवीजन कर दे रहे हैं। ठीक है, हमें डाल दीजिए डीएनए द्विगुणन की क्रिया विधि। ठीक है, तो डीएनए द्विगुणन की क्रियाविधि पहले लिखिए। डीएनए जटिल प्रक्रिया है जो प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए द्विगुणन की क्रिया लगभग समान होती है, जो निम्न चरणों में पूरी होती है। लिख लिया। नंबर एक हरी डाल दीजिए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड का सक्रियण। नंबर एक है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड का सक्रियण। देखो, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड या डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोसाइड मोनोफास्फेट केंद्रक जल में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, चाहे वो न्यूक्लियोटाइड हो चाहे वो न्यूक्लियोसाइड हो। काय में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, केंद्रक जल में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। तो पहले एक लाइन इसमें लिखिए कि डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोसाइड के मोनोफास्फेट, मोनो का मतलब एक अणु। ठीक है, चार न्यूक्लियोटाइड होते हैं ना, एडेनिन ग्वानिन थायमिन साइटोसिन, तो चारों अलग अलग बनेंगे। चार न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोसाइड्स बनते हैं कि नहीं बनते, बोलिए। तो क्या बताया कि मोनोफास्फेट मतलब एक अणु जो है वो क्या होगा, केंद्रक द्रव में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, जो चार प्रकार के होते हैं, जो चार प्रकार के होते हैं। जैसे नंबर एक डीएएमपी, ध्यान से समझिएगा। डी का मतलब डी ऑक्सी राइबोज। क्लियर हो गई इतनी बात। ए का मतलब एडेनिन है, तो न्यूक्लियोटाइड बनाना हो जाएगा एड्यूसिन। ठीक है, डी का मतलब डी और ए का मतलब एडिनोसिन, एम का मतलब हो गया मोनो, पी का मतलब हो गया फास्फेट। तो क्या हो गया, डीऑक्सी एडिनोसिन एडिनोसिन मोनो फास्फेट। इसके बाद हो गया दूसरा डी एडिनिन के बाद ग्वानिन आता है डीजीएमपी, तो क्या हो जाएगा डीऑक्सी ग्वानोसिन। क्या हो जाएगा बच्चा, डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफास्फेट। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तीसरा हो जाएगा सी डी सीएमपी, तो हो जाएगा डीऑक्सी सी का मतलब साइटोसिन होता है वैसे, तो साइटोडीन मोनोफास्फेट। समझ में आया, क्लियर हो गया। अब इसके बाद चौथा डी टी एम पी, तो हो जाएगा डी मतलब डी ऑक्सी, टी का मतलब थायमोडीन। समझ में आ रहा, और एम का मतलब मोनोफास्फेट, थायमिडीन मोनोफास्फेट हो गए। फिर इसी के नीचे लिख लीजिए फास्फोराइलेज एंजाइम की सहायता से, फास्फोराइलेज एंजाइम की सहायता से इन्हें
करके 3-फॉस्फेट युक्त सक्रिय रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। ये आधार के रूप में कार्य करते हैं और बहुलीकृत होकर के फॉस्फेटीकरण में और बहुलीकृत होकर के ऊर्जा प्रदान करते हैं। आधार के रूप में कार्य करते हैं, लिखने हैं, साथ ही ऊर्जा प्रदान करते हैं। इस प्रकार का निर्माण फॉस्फेटीकरण कहलाता है। इस प्रकार का निर्माण फॉस्फेटीकरण कहलाता है। लिख लिया इसी के नीचे। फिर उसी के नीचे इस प्रकार डीएनए के संयोजन में भाग लेने से के लिए न्यूक्लियोटाइड एकलक निम्नलिखित उच्च ऊर्जा यौगिक बन जाते हैं। देखिए उच्च ऊर्जा यौगिक कौन कौन से बनते हैं, ठीक है। देखिए कुछ भी नहीं है, क्या करना है आपको, जो अब इससे नए ऊर्जा यौगिक बनेंगे, जो भी हमने लिखवाया उसको यहाँ लिखा आपने, फॉस्फेटीकरण कहलाता है। अब ये तीन शुगर फॉस्फेट और ये एक ही मोनोफॉस्फेट, एक एक अणु जुड़ेंगे तो तीन यौगिक वाले अणु बनेंगे, अधिक ऊर्जा वाले अणु बनेंगे। उनके नाम क्या है, देखिए पहला ए, कुछ नहीं करना है, जैसे डी तो डी रहेगा, एडनील लग रहेगा, मोनो की जगह यहाँ ट्राई तीन अणु जुड़ जाएंगे, डी जी टी पी, डी सी टी पी, डी टी एम पी, टी का मतलब ट्राई, मोनो का मतलब यहाँ एक अणु था, ट्राई तीन अणु जुड़े, अभी बताया फॉस्फोटीकरण के द्वारा, तो तीन अणु जुड़ जाएंगे, अधिक ऊर्जा वाला अणु बन जाएगा। अभी हमने लिखाया इन दोनों के बीच में, ठीक है, पहले उसे लिखना है, लिख लिया, तीन ऊर्जा वाले अणु बन जाएंगे। कुछ भी नहीं करना, पूरा यही है ना, जैसे देखिए डी का मतलब डी ऑक्सी, है ना, ए का मतलब हो गया एडिनोसिन, एम की जगह सी लगाया तो ट्राई हो जाएगा, ट्राई फास्फेट आ गया समझ में। दूसरा क्या हो जाएगा, डी ऑक्सी गुआनोसिन ट्राई फास्फेट, ठीक है, समझ में आया। तीसरा क्या हो जाएगा, डी ऑक्सी साइटिडीन और थाइमिडीन, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, साइटिडीन ट्राई फॉस्फेट और इसका क्या हो जाएगा, थाइमिडीन ट्राई फॉस्फेट। कुछ नहीं है, यहाँ पे एम लगा था तो मोनो लगा है, यहाँ पे टी लगा है तो ट्राई फॉस्फेट लगा। इतनी बात समझ में आ गई। ये फॉस्फेटीकरण जो क्रिया हुई थी, फॉस्फेटीकरण क्रिया के द्वारा तीन अणु जुड़ करके अधिक ऊर्जा वाले यौगिक जो बनेंगे उनके नाम ये हैं। ये एक ऊर्जा वाला अणु था, एक अणु से बना था मोनोफॉस्फेट, तो उनके नाम ये हैं। क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम है? ये नंबर एक था, क्या था, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का सक्रियकरण। नंबर दो डाल दीजिए, डीएनए रज्जुकों का अनावरण। दूसरा है डीएनए रज्जुकों का अनावरण। लिखिए इसमें, देखिए डीएनए हेलिकेज एक एंजाइम होता है, वो दोनों डीएनए के रज्जुकों को अलग कर देता है,
अगली बात समझ में। देखिए जैसे हमने खा एंजाइम क्या करते हैं, मतलब किसी भी चीज़ को, जैसे फेविकोल दो चीज़ों को जोड़ता है, ठीक है, या किसी चीज़ से कोई चीज़ को अलग करना है तो अलग करना, दूध से दही बनाना है उसका पनीर अलग करना तो नींबू निचोड़ते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ऐसी चीज़ जो दो को अलग कर दे या जोड़ दे, अलग कर दे, इसे एंजाइम कहते हैं। बात समझ में आई? तो एक एंजाइम होता है एंजाइम हेलिकेज, ओरी क्षेत्र पर ये कार्य करता है और ये डीएनए के दो खंडकों को अलग करता है। अगली बात समझ में, लिखिए पहले एंजाइम हेलिकेज ओरी क्षेत्र पर ORI ओरी क्षेत्र पर कार्य करके डीएनए के दोनों रज्जुकों को पृथक कर देता है। ये रज्जक प्रोटीन के खंड पर स्थित होते हैं, ये रज्जक प्रोटीन द्वारा स्थित होते हैं। और जब ये अलग हो जाते हैं बेटा तो ये खिंचाव उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो लिखिए और ये अनुकुंडलित तथा पराकुंडलित, अनुकुंडलित तथा पराकुंडलित होकर खिंचाव उत्पन्न करते हैं। इस खिंचाव को दूर करने के लिए टोपो आइसोमरेज एंजाइम कार्य करते हैं। टोपो आइसोमरेज, टोपो आइसोमरेज एंजाइम कार्य करते हैं। संपूर्ण डीएनए एक बार में नहीं खुलता, पृथक्करण का बिंदु दोनों दिशाओं में धीरे धीरे आगे बढ़ता है और एक वाई के आकार की संरचना बनाता है जिसे द्विगुणन द्विशाक कहते हैं, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट शरीर डाल दीजिए आरएनए प्राइमर का निर्माण, आरएनए प्राइमर का निर्माण देखिए, यह डीएनए की नई श्रृंखला निर्माण हेतु आवश्यक है। आरएनए प्राइमर आरएनए का एक छोटा रज्जुक होता है जिसका निर्माण प्राइमेज एंजाइम की सहायता से नए डीएनए की श्रृंखला के 5 सिरे पर होता है। यह एक रज्जु के स्वतंत्र सिरे व दूसरे के द्विशाख सिरे पर निर्मित होता है। ठीक है, अगली हरी डाल दीजिए आप क्षार युग्मकों का निर्माण। ये टॉपिक कर लेगा, ठीक है, इतना राइट कर लीजिएगा, अपने नोट्स आगे तैयार कर लीजिएगा, ओके।